और छपरा की बेटी ऐश्वर्या को घर से बाहर कर दिए हैं, तलाक के लिए विवश कर दिए हैं। वो इंसाफ तो मांगेगी। सिंगापुर के लोग छपरा में आकर के सेवा का भाव का निर्वाहन कैसे करेंगे? लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय को जिस प्रकार से लालू परिवार ने घर से बेदखल कर दिया है और तलाक का रास्ता दिखा दिया, इसी को लेकर आपको बताते चलें, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा खूब गर्जे हैं और उन्होंने कहा है कि ऐश्वर्या जैसी बेटी को, जो छपरा की बेटी है, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया और रोहिणी आचार्य को ये लोग टिकट दे रहे हैं तो बहुत गलत बात है। अपनी बहू को बेदखल कर रहे हैं और बेटी को आगे ला रहे हैं, तो क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, आप सुने। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी का परिवारवादी जमींदारी मानसिकता साफ झलक रही है। जमींदारी मानसिकता साफ झलक रही है। एक तरफ बेटी के लिए जो सिंगापुर में, आप जानते ही हैं कि सिंगापुर कितना ऐसो आराम का जगह है और किस तरह का माहौल है, किस तरह का कल्चर है, उनको छपरा ले आए हैं और छपरा की बेटी ऐश्वर्या को घर से बाहर कर दिए हैं, तलाक के लिए विवश कर दिए हैं। वो इंसाफ तो मांगेगी। सिंगापुर के लोग छपरा में आकर के सेवा का भाव का निर्वाहन कैसे करेंगे? बिहार को किस मानसिकता में वो ले जाना चाहते हैं, ये साफ झलक रहा है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, आप अगर जो जाति की बात करते हैं, उस जाति की बेटी ऐश्वर्या नहीं थी, एक पूर्व मुख्यमंत्री की पोती थी, आप उसे क्यों नहीं खड़ा किए, क्यों इंसाफ उसे नहीं दिए? पूर्व मंत्री की बेटी थी, छपरा की बेटी थी। आपके मन के अंदर भाव सम्मान का नहीं, बेटी के अपमान का है और कहीं ना कहीं आपकी ये मानसिकता साफ झलक रही है कि बिहार के बेटियों को आप सिंगापुर से ला के सम्मान नहीं दिला रहे। वो जो खड़ी हुई है उनके भी मन में ये भाव और डर है कि जब यहाँ की बेटी अपनी बहू को सम्मान नहीं दिलाए तो हम तो अब दूसरे घर की बहू बन चुके हैं, हम तो पराया बन चुके हैं। अपने घर की बहू का सम्मान नहीं तो दूसरे घर के बहू पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये संदेश भी जाएगा। मैं देखिए पारिवारिक मामला में नहीं पड़ता, लेकिन मेरा प्रश्न है कि नेचर और सिग्नेचर दिखाई पड़े, करनी कथनी दिखाई पड़े। आप एक तरफ कहते हैं बेटी का सम्मान कर रहे, बहू भी बेटी होती है, उसका सम्मान क्यों नहीं? और हम हमेशा हर बेटी का, हर माँ का, हर बहन का ये शक्ति स्वरूपा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम शक्ति का उपासना करते हैं और हम तो सौभाग्यशाली हैं इस बिहार की धरती, माँ जानकी की धरती, जो शक्ति की भूमि है, जिस पटना में करे हैं, ये पटन देवी की भूमि, भक्ति की भूमि है और हमारे बगल में गया मंगला गौरी मुक्ति की भूमि है। शक्ति, भक्ति और मुक्ति की भूमि बिहार है और शक्ति का अपमान करने वाले को कभी कल्याण नहीं होगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।